मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर दिखाई देती नजर आ रही है, तो वहीं जिलों में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर संगठनात्मक प्राथमिक बूथ समितियों के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस जिला पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता रहे। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल पहुँचने पर कार्यकर्ताओं ने उनसे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर सवाल किए, तो वहीं ऐशबाग फाटक पर लगभग 17 करोड़ की लागत से बनने जा रहे आरओबी का मंत्री विश्वास सारंग ने शिलान्यास किया। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर मौसम में बदलाव आएगा और 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर मध्य प्रदेश संगठन चुनाव को लेकर नियुक्त किए गए जिला रिटर्निंग अधिकारियों से आगामी संगठन चुनाव पर चर्चा की, तो वहीं चुनावों में बूथ स्तर तक बेहतर प्रबंधन के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर गतिविधियां जारी हैं। संगठनात्मक चुनाव के लिए नियुक्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी एवं पूर्व सांसद रामचंद्र खूटिया ने मध्य प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें प्रशिक्षित किया। इसके पहले एमपी के जिला निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण विगत दिनों भोपाल में हुआ था, मगर 18 डीआरओ प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, जिन्हें अब प्रशिक्षण दिया गया है। ये लोग डीआरओ अब अपने आवंटित जिलों में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कांग्रेस जिला पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव में पहले चरण में 15 से 28 मई तक प्राथमिक बूथ समितियों के चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव में 28,07,000 सदस्य मतदान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित की विचारधारा के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की विचारधारा, जन सोच की विचारधारा से आगे चली। विचारधारा के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए, और अब हमारी यही आशा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कम की, बाकी राज्य जो दूसरे पार्टियों के द्वारा सरकार है वहाँ भी कम। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ऐशबाग फाटक पर लगभग 17 करोड़ की लागत से बनने जा रहे आरओबी का शिलान्यास, विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। सारंग ने कहा कि ऐशबाग फाटक पर 17 करोड़ की लागत से बनने जा रहे ओवर ब्रिज के निर्माण से क्षेत्र के लोगों का मुख्य जिंसी चिकलोद रोड से सीधा संपर्क हो सकेगा। इस आरओबी के निर्माण से बोगदा पुल और सुभाष आरओबी पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। साथ ही ऐशबाग क्षेत्र के लोगों को अब ना तो फाटक पर इंतजार करना पड़ेगा, ना ही चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। इससे रोजाना प्रतिदिन लगभग 2 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। तो वहीं सारंग ने कहा कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं। नरेला विधानसभा अंतर्गत ऐशबाग स्टेडियम के पास रेलवे के फ्लाईओवर का आरओबी का भूमि पूजन किया। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर जो गेट था वो काफी दिनों पहले रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया था, और क्षेत्रीय जनता की बहुत समय से मांग थी कि ये फ्लाईओवर जल्द से जल्द बनवाया जाए। आज हमने भूमि पूजन किया है, करोड़ों की लागत से ये फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा, जिसमें लगभग 10 लाख जनता को रोज इसका फायदा मिलेगा। विकास के मामले में नरेला विधानसभा में हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे नर्मदा का जल को घर तक पहुँचाने की बात हो, निश्चित रूप से हमारी इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा फायदा देगा। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जहां लोग गर्मी से बेहाल थे, तो वहीं एमपी के कुछ जिलों में बादल छाने व हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन तक 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिरेगा, तो वहीं इसके बाद फिर पारे में उछाल आएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। खजुराहो, नौगांव, ग्वालियर, दतिया में लू का प्रभाव रहेगा। रीवा संभाग तथा दतिया, गुना, भिंड, ग्वालियर, दमोह, छतरपुर जिलों में मौसम में बदलाव आएगा। वहीं तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के चंबल, ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। मुख्य रूप से कटनी, रोन, मिहोना में 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान कई संभागों में काफी कम हुए हैं। सबसे अधिक तापमान 44.6 डिग्री सीधी में दर्ज किया गया। सिस्टम एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और एक चक्रवाती हवा वगैरह दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अनुमान हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ तेज हवा के झोंके, बिजली गिरने की संभावना, कहीं कहीं
रीवा सागर चंबल संभाग के जिलों में एवं जबलपुर ग्वालियर बालाघाट अनूपपुर शहडोल दतिया शिवपुरी में होने की संभावना है। आगे तापमान 3 से 4 डिग्री गिरने की संभावना है 3 दिन तक, उसके बाद 2 से 3 डिग्री बढ़ेंगे। भोपाल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 रहने की संभावना है।